नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआरएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मुजफ्फर अंसारी की रिपोर्ट के अनुसार दुमका जिले के अति नक्सलवाद प्रभावित शिकारीपाड़ा प्रखंड में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में 14 मई को मतदान होने हैं। यहां अधिकांश बूथ संवेदनशील और अति संवेदनशील हैं। देखते हुए प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में सोमवार को शिकारीपाड़ा बीडीओ संतोष कुमार चौधरी ने अंचल अधिकारी राजू कमल, शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी नवल किशोर सिंह समेत पंचायत चुनाव के लिए बनाए गए 36 सेक्टर के मजिस्ट्रेट के साथ एक बैठक की। इस बैठक में बीडीओ ने कहा कि बूथों पर आधारभूत आवश्यकताएं हैं, वह पूर्ण होनी चाहिए। समुचित रोशनी की व्यवस्था, फर्स्ट एड की व्यवस्था को बेहतर हो, ये सुनिश्चित किया जाए। बीडीओ ने साफ शब्दों में सभी को चेतावनी दी है कि किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां चूक होगी संबंधित कर्मियों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।